हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन यस और नो जल्दी से कंफर्मेशन दे दो यार इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले कहा गया यार चलो तो स्टार्ट करते हैं यहां पर स्टार्ट करेंगे हम यहां पर ठीक है ऑल ओके चलिए तो सर का मैसेज आ चुका है ऑल ओके okay. तो भैया सबसे पहले विश आ, अगर हम बात करेंगे तो, तो हम लोग एक बहुत ही अच्छी सुबह की शुरुआत हम बात करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस और स्टार्ट करेंगे सेशन को उससे पहले मैं बता दूं भैया हो हो हॉलीडे सेज ठीक है क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस आ रहा है और साल बदल रहा है साल बदल रहा है और साल के साथ बदल रहा है कैलेंडर और कैलेंडर के साथ बद देंगे हम अपनी किस्मत किस्मत के साथ बदलेंगे कैसे हम बदंगे मेहनत और मेहनत करेंगे स्मार्ट तरीके से यहाँ पर तो स्मार्टर वे में हमें मेहनत करना है इसलिए हम लेकर के आए हैं हो हो हॉलिडे हो, हो, सेल जिसमें आपको मिलने वाला है फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव परसेंट ऑफ और फ्री पास प्रो की कंडीशन अगर हम बात करें फ्री पास प्रो की कंडीशन वो भी जस्ट रुपीज थ्री थाउजेंड में लेकिन इस सब्सक्रिप्शन को इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ये बेनिफिट अचीव करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा जो कोड है वो क्या है वो है वैभव तो वैभव कोड को इनरोल कीजिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैभव कोड को इनरोल कीजिएगा और वैभव कोड को इनरोल को करने पर आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन जस्ट रुपीज पाते हैं थाउजेंड फाइव जिसका ओरिजिनल प्राइस है ग्यारह रुपए और साथ ही मिलेगा आपको फ्री पासपोर्ट तो यार चीजें बदलनी है तो इसको हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आ रही है तो आप बिल्कुल इनरोल करो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो क्योंकि यार 2023 जो था वो हो गया ठीक है 2024 बेहतर करना है 2023 हजार तेईस एस एस जेई भी निकल गया है 2024 हमें बेहतर करना है

तो ध्यान रखो वैभव कोड के साथ अपने आप को क्या करो एनरोल करो क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है हम बात करेंगे इससे सस्ता और भी नहीं मिलेगा आज शुरुआत करने का अच्छा दिन है ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए यहां पे चलते हैं हमारी क्लास डेली सुबह दस बजे होती है सभी आपको पता है और इस सैटरडे और संडे हम करने वाले हैं कुछ खास सैटरडे संडे होगा आपका बिल्कुल खास और उस खास सैटरडे संडे में क्या होगा वो सब्जेक्ट्स हम बात करते हैं यहाँ पर कि लेकर के आऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेई एग्जामिनेशन में भी और एई एग्जामिनेशन e में भी तो उन सब्जेक्ट्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है जो कि हम बात करेंगे चाहे हमारा एस हो चाहे यूकेपीएससी हो चाहे हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस हो या हम बात करेंगे यूपीपीएससी हो या हम बात करेंगे यहाँ पर आपका एम हो, हो या आने वाले एग्जाम आर आर अगर हम बात करें आर आर और हम बात करेंगे आर आर बी जेई हो या आर आरबी एल पी हो कोई भी एग्जामिनेशन हो सभी के लिए ये वन डोज निकल करके आता है और इस वन डोज की बात करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा तो टेलीग्राम चैनल है वैभव वैभव सर सर का वैवासर सुपर कोचिंग तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली एक क्विज मिलेगा साथ ही साथ आपको मिलेगा डाउट डिस्कशन ग्रुप डाउट डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पोस्ट करेंगे जहां पर वैभव सर और आपके स्टूडेंट्स आपके भाई बहन जो भी है ठीक है वो सभी लोग वहां पर आपके सोल्यूशन दे रहे होते हैं ठीक है थीके? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है थीके? तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आ रही है ठीक है तो टेलीग्राम यहाँ पर है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं चलेगा तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन फटाफट से आंसर तो क्या होगा फटाफट से आंसर तो क्या होगा <coughs> जल्दी 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 बेटा आज देखो ऐसा है जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना माना करो तुम्हें याद है एस एस सी के अंदर कई लोग बोले थे कि गेट और ई लगा लो मैंने क्या बोला था डिप्लोमा लेवल एग्जाम है और डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे हाँ इंजीनियरिंग वाले बैठे हैं तो थोड़ा बहुत लेवल उठाएंगे किससे अगर हम बात करें सीबीटी के के पैटर्न अकॉर्डिंग। क्या वही हुआ या नहीं क्या तुम्हें गेट ई देखने को मिला वहां कुछ ऐसा तो इस पे मत जाओ यार ये करवाओ वो करवाओ मुझे पता है मुझे क्या करवाना है जिससे तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा और हर बार रहा है ठीक है तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बस चलो तो हम बात करें क्या होगा फटाफट से द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लाइफ पीरियड अगर किसी एक लाइफ पीरियड में हम बात करें तो एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी या सैलवेज होगी या फिर हम बात करें स्क्रैप होगी तो विदाउट बींग डिसमेंटलेंटल की बात करेंगे तो क्या होगा सैलवेज वैल्यू निकल करके आएगा और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है आफ्टर डिसमेंटलिंग अगर हम देखेंगे तो ये आफ्टर डिसमेंटलिंग की बात करेंगे तो आफ्टर डिसमेंटलिंग की बात करते हैं तो कितना निकल करके आएगा हम बात करेंगे स्क्रैप वैल्यू निकल करके आया है ठीक है नेक्स्ट अगर बुक वैल्यू की बात करें तो पर केवल एंड के कारण जो हो रहा है उस पर सब्जेक्टेड जो वैल्यू निकल करके आई थी उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बुक वैल्यू बोल रहे होते हैं और अगर मैं बात करूंगा मार्केट वैल्यू मार्केट की कंडीशन पर जो वैल्यू सब्जेक्टेड होती है उसको क्या बोलेंगे मार्केट वैल्यू हम बोल रहे होते हैं तो मार्केट की वैल्यू पर जो वैल्यू सब्जेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं मार्केट वैल्यू हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू इज हर बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर वट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस फ्लोर एरिया एंड नेट फ्लोर एरिया इन अ बिल्डिंग मेजरमेंट है नाइक क्वेश्चन. अरे है ना क्वेश्चन. तो व्यवस्था ने क्या बोला था मंडे से नए क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चलेंगे पूरा बहुत बढ़िया ठीक है थीके? देखो ये हमारा पूरा का पूरा प्लॉट साइज है प्लॉट साइज है ये और प्लॉट साइज पे जो हमने बाहर का जो वॉल बनाई है ये वॉल बनाई है इस वॉल के आउटर एक्सटर्नल डायमेंशन को लेकर के जो चलेंगे वो क्या कहेगा प्लिंथ एरिया कहा जाएगा प्लिंथ एरिया कहा जाएगा प्लिंथ एरिया में अगर हम बात करेंगे जो ओपनिंग होती है वो हमने यहां पर सबट्रैक्टेड कर दी वो प्लिंथ एरिया होगा अब प्लेन एरिया के बाद जो हमारा वॉल रहेगी इसके बीच में क्या रहेंगी वॉल रहेंगी ये घर बना दिया है ऐसा कुछ बना दिया है ये वॉल है वॉल है वॉल है वॉल है तो वॉल का एरिया तो वॉल का एरिया मिलाकर के ये पूरा एरिया मिलाकर के वॉल का जहां पर वॉल भी है वो एरिया भी मिलाकर के जो एरिया निकल करके आएगा वो ग्रॉस एरिया कहा जाता है कौन सा ग्रॉस फ्लोर एरिया लेकिन अगर वॉल के एरिया को हमने माइनस कर दिया केवल फ्लोर फ्लोर को कंसीडर किया केवल किसको फ्लोर फ्लोर को कंसीडर किया तो क्या कहा जाता है नेट फ्लोर एरिया कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा नेट फ्लोर एरिया उसके बाद आता है कार्पेट एरिया एरिया क्या होता है वो एरिया जहां पर कार्पेट हम प्लेस कर सकते हैं जैसे हम बात कहें ड्रॉइंग रूम ड्रॉइंग रूम में हम कार्पेट लगा सकते हैं ठीक है तो हमारा निकल करके आएगा क्या होगा वो कार्पेट एरिया कहा जाएगा तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है डिफरेंस ग्रॉस फ्लोर एरिया और नेट फ्लोर एरिया तो ग्रॉस फ्लोर एरिया इंक्लूड्स ऑल द एनक्लोज स्पेसिस जितने भी एनक्लोज स्पेसेस है मतलब वॉल्स हैं वॉल्स के द्वारा जो कमरा बनाया गया है तो वो हम बात करते हैं वो हमारे क्या होगा ऑल द एनक्लोज स्पेस विद इन द बिल्डिंग वाइल यूजेबल स्पेस यूजेबल स्पेस स्पेस मतलब क्या ये वॉल का कोई यूजेबल है वॉल का स्पेस कोई यूजेबल है वॉल का स्पेस यूजेबल नहीं है तो हम बात करेंगे यहां पर केवल यूजेबल स्पेस को अगर हमने कंसीडर किया तो हमारा फ्लोर एरिया निकल के आएगा तो पहला वाला सही हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ग्रॉस फ्लोर एरिया एंड नेट फ्लोर एरिया आर सेम थिंग सेम थिंग बिल्कुल भी नहीं निकल करके आएंगे अगर हमने बात किया नेट फ्लोर एरिया इनक्लूड्सोज स्पेस नेट फ्लोर एरिया सारा का सारा इनक्लोज कर रहा है नहीं, नहीं करता है और ग्रॉस फ्लोर एरिया आर इंक्लूड ऑनली द एक्सटीरियर डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग के एक्सटीरियर डायमेंशन लेकिन अगर हम बात करें कि पोर्च का एरिया आ गया बरामदा का एरिया आ गया उसमें तो क्या वो ग्रॉस फ्लेयर एरिया में आएगा पोर्च का एरिया आ गया बरंदा का एरिया आ गया क्या वो ग्रॉस फ्लोर एरिया में आएगा या और नो बताओ फटाफट से आएगा या नहीं

ठीक है तो अगर हम बात करेंगे ये वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर की तरफ भी वॉल होंगी और वो पूरा अंदर डायमेंशन में निकल करके आएगा इसलिए ये वाला भी हमारा क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर मजा आया क्वेश्चन में हुआ कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट क्लियर हुआ बोला था सोमवार से बिल्कुल नए क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और देख लो तुम सामने देख लो तुम नए क्वेश्चन की सीरीज अगर मैं जो बोल देता हूं वो करके भी दिखाऊंगा सिंपल सी बात है लेकिन तुम बस यहां पर सेशन को शेयर और लाइक करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है अभी ठीक है ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर होने चाहिए मेरे पास अभी चलो थर्ड नंबर का आंसर दो फटाफट से थर्ड नंबर का आंसर दो फटाफट से ये देखो इंटरनल जो डायमेंशन है वो पांच मीटर और पांच मीटर दे रखी है थिकनेस जो है वॉल की वो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पॉइंट थ्री मीटर दे रखी है ठीक है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इंजीनियर्स वर्ल्ड इतनी जल्दी कैसे कौन सी कैलकुलेशन कर लिए भाई इतनी जल्दी कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हैं बिल्कुल सटाक से बी चलो देखो अगर मुझे निकालना है क्या निकालना है फाइंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है किसके लिए दो रूम के हाउस प्लान के लिए जिसका कि शो किया गया फिगर में ठीक है यूजिंग द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल निकालना है ठीक है अगर लॉन्ग बॉल की बात करें तो लॉन्ग मतलब बॉल क्या होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और फिर क्या होता है अगर हम बात करें लॉन्ग बॉल का मतलब होता है आउट टू आउट डिस्टेंस आउट टू आउट डिस्टेंस हमारे क्या होता है लॉन्ग बॉल होता है और अगर इन टू इन डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा शॉर्ट बॉल निकल करके आएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा तो आउट टू आउट होगा ये क्या होगा इन टू इन निकल करके आएगा तो देखो ये फाइव फाइव मीटर है और फाइव मीटर का प्लान यहाँ पर है बीच में कितना है थ्री तो लॉन्ग वॉल निकालेंगे फाइव प्लस फाइव प्लस कितना जीरो पॉइंट थ्री और जीरो पॉइंट थ्री एक साइड पर जीरो पॉइंट थ्री दूसरी साइड पर भी तो हमारा लॉन्ग वॉल आएगा आउट टू आउट उसमें से क्या होगा सेंटर लाइन निकालना है तो ये वाला माइनस कर दिया और ये वाला माइनस कर दिया तो हमारा कितना आएगा प्लस ही कर दो नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल हो गई लेकिन अगर हम बात करते हैं इनर बॉल की बात करेंगे तो कितनी होगी देखो यहाँ पर कितनी है ये पांच है पांच के बाद देखो प्लस जीरो पॉइंट थ्री निकल करके आएगा जीरो पॉइंट थ्री बाई टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री बाई टू तो हम बात करेंगे यहां से जीरो पॉइंट थ्री बाई टू और यहां से 2. और कितनी है वॉल एक दो और तीन तो तीन वॉल निकल करके आएंगे इसलिए कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई थ्री करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो आएगा वो थर्टी सेवन पॉइंट वन मीटर निकल करके आ जाएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना आएगा थर्टी सेवन पॉइंट वन निकल करके लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करने का मतलब क्या था पहले लॉन्ग वॉल निकालो फिर शॉर्ट वॉल निकालो दोनों ही केस में सेम वैल्यू निकल करके आएगी दोनों ही केस में क्या होगा सेम वैल्यू निकल करके आने वाली है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर एक कंडीशन निकल करके आएगी तो थर्ड नंबर की बात करेंगे चलिए बहुत बढ़िया रूह फोर्थ नंबर का आंसर दो बहुत बढ़िया रूही सेपरेट वॉल मेथड ओके जल्दी 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 फटाफट से आंसर दो

सीमेंट की क्वांटिटी तो सीमेंट की क्वांटिटी ऐसा टू हंड्रेड अब इसको ड्राई मोटर में कन्वर्ट करेंगे कितना अब सीमेंट का प्रपोर्शन तो का प्रोपोर्शन कितना वन है और टोटल कितने में वन प्लस थ्री प्लस सिक्स यानी टेन में हमारा वन निकल करके आ रहा है तो 1.54 पॉइंट फाइव बाई हम बात करेंगे कितना 20 निकल करके आएगा जो कितना हो जाएगा जो हो जाएगा 30.40 मीटर यू निकल करके आएगा

ले जाता है एक बार में कितना पंद्रह मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट कैरी कर सकता है तो बताओ कितने क्या एग्रीगेट कितना अठारह और पंद्रह अगर अगर पंद्रह ट्रिप यहां पे होंगे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो कितने हम बात करेंगे एक सौ अठारह एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी मतलब कम से कम हमारे तेरह ट्रिप रिक्वायर्ड होंगे कितना तेरा ट्रिप रिक्वाये दो ट्रिप कैसे हो गए मैंने बोला पंद्रह पंद्रह तो कोर्स एग्रीगेट के कितने होंगे मैं ये पूछ रहा कोर्स एग्रीगेट के ट्रिप पूछे दो ट्रिप कैसे हो गए क्वेश्चन सुनो ना कोर्स एग्रीगेट के ट्रिप पूछे तो वहां से से हम इस तरीके क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं बारह बारह से ज्यादा ही होंगे तरह ट्रिप होंगे ठीक है क्योंकि ये देखो थर्टी पॉइंट फोर जीरो है इसको मल्टीप्लाइड करोगे कितना छह टाइम्स तो एक सौ अस्सी पॉइंट समथिंग आएगा और एक सौ अस्सी पॉइंट समथिंग तो तेरा ट्रिप बोलेंगे हम कम मटेरियल नहीं पहुंचाएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो हम आगे फोर्थ की बात करेंगे हमारा ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ठीक है फिफ्थ की बात करो फटाफट से और अगर मैंने देखा वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स अगर मैंने देखा कॉन्क्रीट है वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स कौन सा ग्रेड है एम टेन ग्रेड निकल करके आएगा एम टेन ग्रेड निकल करके आएगा चलो बहुत बढ़िया देखो द लाइन मोटर फॉर स्ट्रक्चरल इज जनरली मेड विध अगर लाइन मोटर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल पर्पज से जो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम हाइड्रोलिक लाइन बोल रहे होते हैं और हाइड्रोलिक लाइन को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं वाटर लाइन भी बोलते हैं यानी हाइड्रोलिक लाइन को क्या बोलते हैं वाटर लाइन अगर हम देखें तो इसमें इसमें क्या होता है कुछ अमाउंट में फेरस ऑक्साइड भी होता है कुछ अमाउंट में क्या होता है, होता है और जनरली ये एक से अगर हम बात करते हैं दो घंटे के अंदर स्लैक हो जाता है क्या होता है एक से दो घंटे के अंदर क्या हो जाए स्लैकिंग हो जाएगी अगर मैंने फैट लाइन की बात की तो फैट लाइन को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ फैट लाइन को क्या बोलते हैं अगर हम फैट लाइन को बोले तो रिच लाइन बोलते हैं क्यों मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म हमारा जो निकल करके आएगा वो क्या होगा रिच लाइम निकल करके आता है और रिच लाइम की बात करें तो कितना लगभग 95 परसेंट कैल्शियम और 5 परसेंट एम्प्योरिटीज निकल करके आती है ठीक है 5 परसेंट हम बात करते हैं एम्प्योरिटी गया अच्छा व्हाइट लाइन किसको बोलते हैं है इनमें से व्हाइट लाइम किसको बोलते हैं यस व्हाइट लाइम किसको बोलते हैं फटाफट बताओ व्हाइट लाइम किसको बोला जाएगा व्हाइट लाइम अगर व्हाइट लाइम की बात करें तो क्या होगा फैट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं व्हाइट लाइन बोल रहे होते हैं फैट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं व्हाइट लाइन बोल रहे होते हैं ठीक है ठीके? और अगर हम देखें यहां पर सुनो अगर मैं देखू यहां पर तो हाइड्रोलिक लाइम को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिटी कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हाइड्रोलिक लाइम को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिटी कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फटाफट बताओ बहुत बढ़िया

नंबर का आंसर दो फटाफट से जल्दी फटाफट पड़ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लीड अगर हम बात करते हैं इन द इन द अर्थवर्क एस्टीमेट्स इज आर ट्रू और फॉल्स कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है देखो डिस्टेंस नॉट एक्सीजिंग टू फिफ्टी मीटर लीड होता क्या है अगर हम बात करें एक्सकेवेशन के सेंटर से जहां तक डिपॉजिट करना है मटेरियल को उसके सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे लीड बोला जाएगा और जनरली वर्टिकल डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोला बोलेंगे लिफ्ट बोला जाएगा ठीक है तो डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं नॉट एक्सीडिंग टू मीटर टू मीटर से ज्यादा डिस्टेंस एक्सीड नहीं कर रही है उसके क्या होगा मेजर इन द यूनिट ऑफ फिफ्टी तो बिल्कुल सही बात है ये अगर हम बात करेंगे इसको कितना यूनिट ऑफ फिफ्टी में हम बात करते हैं यहाँ पर निकाल निकालते हैं अगर दो मीटर से कम है तो अगर एक्सीडिंग दो मीटर बट नॉट एक्ट पांच मीटर सेल भी मेजर करते हैं हाँ अगर लीड की बात करें तो लीड हमारी 50 मीटर ही रहेगी बट इसको एज अ सेपरेट आइटम हम यहाँ पर मेजर कर रहे होते हैं कितना सेपरेट आइटम हम मेजर कर रहे हो तो ये भी हमारा क्या हो गया सही तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया क्या होगा दोनों स्टेटमेंट सही होगा इसलिए ऑप्शन नंबर

कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सीबीटी वन में आया था ऐसा क्वेश्चन क्या बात है तो सिक्स्थ नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल कर के आ जाएगा बहुत बढ़िया सेवंथ नंबर का आंसर दो फटाफट से सेवंथ का आंसर और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है आपको एक बार जोरदार तरीके से, से सेशन को शेयर और लाइक मारेंगे फटाफट से यार फटाफट से सेशन से को शेयर और लाइक मारो यार <coughs> वो पच्चीस एम एम से कम है स्लम की वैल्यू कितना पच्चीस एम एम से कम है तो उसको क्या बोलेंगे वेरी लो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है वेरी लो बोला जाता है और पच्चीस से पचास है तो लो बोला जाएगा 25 से 50 होने में कितना लो बोला जाएगा और 50 से 100 के केस में क्या बोला जाएगा मीडियम और ये कितना है 85 और 85 का मतलब क्या है 50 से 100 का बीच और 50 से 100 के बीच में क्या होगा मीडियम निकल करके आएगा और हाई क्या होता है 100 से डेढ़ सौ जो होता है हाई होता है और वेरी के हाई के केस में हम स्लम टेस्ट को जनरली यूज नहीं कर पाते हैं वेरी हाई के केस में हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आएगी तो ये सारी वैल्यू हमें क्या है टेबल याद रखनी है तो स्लम के लिए हमें क्या रखना है, ये हमें है, यहाँ पर रखना है। तो सेवंथ की बात करेंगे दो फटाफट से लो हिंदी इंग्लिश कौन बोल रहा है हिंदी इंग्लिश चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों है हाँ करते हैं ही बिल्कुल पीहू गाया में ना आज पीहू पीयू चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक एंड ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगर हम देंगे और ओ एम बी की बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट सही है देखो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होती है एक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनना है तो उसका मेजरमेंट किया और उसमें मैंशन कर दिया अब जो भी पेमेंट होगा वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम पेमेंट कर रहे होते हैं हम मानते हैं वो मेजरमेंट यहाँ पर चेंज नहीं होने वाले हैं दूसरा चीज कई बार हमें रिपेयर एस्टीमेट बनाना है तो उसके लिए भी क्या होगा एस एम बी अगर हम स्टैंडर्ड मेजर बुक की बात करेंगे हमारा काम में निकल करके आ रहा होता है तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है एस एम बी की बात करते हैं शोज ओनली द मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्क बिल्कुल सही बात है केवल और केवल मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्क को शो करेगा आलतू फालतू जैसे पार्क का हुआ या किसी का हुआ अदर किसी भी कंडीशंस को यहां पर सो नहीं करता है तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया कतई जहर लोग हो तुम लोग यार हैं बी पे जा रहे सी पे जा रहे डी पे जा रहे हो ए पे भी जाओ कोई बुरा मान जाएगा हाँ अब देखो ए पर जाएंगे अब देखो ए पर मैं मैं पलटवाता हूं तो मैं रुको पलटवाऊंगा रुको अभी पलटवाता हूँ पलटवा पलट दू क्या पलटवा दू क्या पलटाऊ अब तो नहीं पलटोगे सही बताओ पलटोगे या नहीं पहले ही बताओ मुझे अब पलटोगे या नहीं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये बताओ पहले नए क्वेश्चन हैं सारे के सारे लग रहा है कुछ नया नहीं पलटोगे चलो देख लेते हैं ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक की बात करेंगे तो ओ एम बी की बात करते हैं जब हम ओ एम बी की बात करते हैं तो ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिपेयर वर्क के लिए और मटेरियल सप्लाई के लिए भी यूज किया जाता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये मटेरियल सप्लाई का रिकॉर्ड रखने के लिए भी यूज करेंगे तो ओ एम बी आर यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग द बिल्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टर बिल्कुल तो so, बनाने में भी हमारा ये useful होता है। है, है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात 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 निकल निकल आएगा। ठीक हम करेंगे। पर आ रहा है। अब देखना यहाँ पर तीसरा क्या बोला अल्फाबेटिकली वाइल एस एम बी आर नंबर उल्टा कर दो बेटा उल्टा कर दो उल्टा कर दो तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा और हमें क्या निकालना था

एक और फाड़ू क्वेश्चन <coughs> एक और फाड़ू क्वेश्चन बताओ आंसर जल्दी बताओ आंसर क्या होगा जल्दी 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 अरे फटाफट आंसर दे देना भाई सही बोलना और तुम लोग सोच समझ के बोलना अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर लॉ की बात कर लेंगे अब्राहिम्स लॉ की बात कर लेंगे तो क्या बोलेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द फुल्ली कॉम्पिटेड कॉन्क्रीट एट अ गिवन एज एंड नॉर्मल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रपोज हटा सावन की घटा कितनी बार है तुमको बता कि भैया ये जो होता है ये पैराबोलिकली होता है ना कि कैसा ना कि हम बात करते हैं कैसा ना कि स्ट्रेट लाइन होता है ना कि क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है कैसा होता है पैराबोलिकली तो ये क्या लिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या क्वेश्चन बनाएगा रे ये क्या क्वेश्चन बनाएगा हमने तो इसको कई बार पढ़ के रखा है तो ये वाला क्या हो गया गलत हो गया ये वाला क्या हो गया गलत हो गया पलटोगे अब पलटोगे क्या पलटोगे पलटना है लाइफ लाइन यूज हो गई पलटोगे अभी भी नहीं पलटोगे चल तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द अब्राहम्स लॉ हायर जेल स्पेस रेशियो रिड्यूसिज द पोरोसिटी एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट तो ये वाला क्या है अगर जेल रेशियो हाई होगा जेल रेशियो हाई होगा और पोरोसिटी क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी बिल्कुल सही बात है जेल रेशियो हाई होने पे पोरोसिटी क्या हो जाएगी रिड्यूस होगी क्यों voids क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे और व्हाइट्स भर जाएंगे तो क्या होगा पोरोसिटी रिड्यूस होगी रिड्यूस होगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बताओ अब पलटोगे क्या अब पलटोगे क्या पलट गए फाइनल आंसर बताओ अपना लेकिन ये जो लॉ है ना ये अब्राहम साहब ने नहीं दिया था ये लॉ दिया था पावर ने ये लॉ दिया था पावर ने इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है अब पलटोगे अब पलटोगे ये तो चीजें सही लिखी हुई हैं लेकिन जो है स्टेटमेंट ये दिया था ये स्टेटमेंट दिया था पावर ने एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पावर वो डॉक्टर जयकाल वाले तो आंसर क्या होगा फाइनली बताओ मुझे कहाँ पलट रहे हो यार यहां से वहां वहां से यहां कहा पलट रहे हो यार तुम लोग थोड़ा फोकस करो यहां अब कोई सही नहीं है तुम पलट गए थे सारे के सारे किसी का सही नहीं है अब तो किसी का सही नहीं है अब तो मजा आया मैंने तो बोले नहीं मैंने कहा ये स्टेटमेंट सही है मैंने ये नहीं बोला ये ये ही तो सही है मैंने तो क्या बोला ये तो सही लिखा है हाई जेल रेशियो होने पर पोरोसिटी रिड्यूस होगी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये सही है मैंने इतना बोला मैंने ये नहीं बोला स्टेटमेंट सही है ये तो चीज सही लिखी है तो क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर और बेटा मैं बोल रहा हूं ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना यही चीजें याद रहेगी कि तुम फिल पलटे फिल पलटे फिल पलटे ये चीजें याद रहेगी लिटरली बोल रहा हूं ये चीजें याद रहती हैं वो नहीं कि मैं तुम्हें आ जाऊं और आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं आंसर तो कोई भी बता देगा यार समझो बात को मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूं मैं आंसर नहीं बताता हूं मैं कंसेप्ट बताता हूँ मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूं चलो ओके तो बोला था बीस तारीख मतलब मैंने बोला था कि बेटा अभी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि क्या बताऊं तुम बोलो तुम चलो टेंथ नंबर की बात करो फटाफट से लेकिन बच्चे नहीं रुकेंगे यहां मुझे पता है उनको चाहिए एस इज इक्वल टू डब्लू जी चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिएगा एंड आंसर सेलेक्ट कीजिएगा फटाफट से देखो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट बोले ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी अब एग्जाम में आ जाएगा फिर बोलोगे नॉट माय कप ऑफ टी

द प्रेजेंस ऑफ द ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर इज नोन एज अ ग्रेन बेटा प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस अगर हम बात करते हैं तो इसको टॉर्न ग्रेन बोलते हैं फिर जो वो हथौड़ा गिर जाएगा या कोई आ, कोई इंस्ट्रूमेंट गिर जाएगा टिम्बर के अगर फिनिशिंग के बाद उसको क्या बोलोगे तुम फिर उसको क्या बोलेंगे ध्यान रखना उसको टॉर्न ग्रेन बोलते हैं और ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको क्या बोलते हैं वेन बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है वेन बोला जाता है तो जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो क्या हो गया है गलत हो गया है और सेकंड नंबर गलत हो गया है तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया है ऑप्शन नंबर वन इज द सही आंसर तो ये क्या हुआ डिफेक्ट ऑफ से क्वेश्चन बन गया है डिफेक्ट ऑफ टिम्बर से क्वेश्चन बन गया है तो मैं टॉन ग्रेन और वेन में कंफ्यूज कर दिया गया यहां पर टॉन ग्रेन और हम बात करते हैं यहां पर वेन में क्या कर दिया गया कंफ्यूज कर दिया गया है क्लियर है अभी कहानी बताओ। अभी कहानी कहानी बताओ और अगर हम बात करें क्या होते हैं हमारे ड्यूरेबल होते होते हैं होते हैं डार्क इन कलर और डेसीड्यूस क्या डिस्टेंस एनुअल रिंग्स रखेंगे डेसीड्यूस क्या डिस्टेंस एनुअल रिंग्स रखेंगे डेसीड्यूस किसी भी तरीके का डिस्टेंट एनुअल रिंग्स नहीं रख रहे होते हैं समझ में आया तो टेंथ नंबर की बात करेंगे हमारा राइट आंसर ये होगा टेंथ की बात इलेवेंथ का आंसर दो फटाफट से इलेवेंथ का आंसर दो लो तुम लो क्वेश्चन लो तुम क्वेश्चन लो तुम तुम जितना मेरे से बोलते हो ना और मैं बोल रहा हूं आज के बाद ये क्वेश्चन कॉपी हो जाएंगे कई जगह हाँ भैया डिस्टिंग का मतलब ये लिखा है देखो डिस्टिंग का मतलब क्या होगा शंकु वृक्ष के पेड़ों में अलग अलग वार्षिक बल है वार्षिक बल है अलग अलग ठीक है चलो द हॉरिजेंटल कोर्स प्रोवाइडेड एट सुटेबल लेवल बिटवीन द प्लिंथ एंड द कॉर्नेस इज टर्म एज द स्ट्रिंग कोर्स उसको क्या बोला जाएगा स्ट्रिंग कोर्स बोला जाएगा क्या बोला जाएगा स्ट्रिंग कोर्स बोला जाएगा क्या बोला जाएगा स्ट्रिंग कोर्स बोला जाएगा तो ये तो हमारा क्या हो जाता है सही होगा सही होगा अगर हम बात करेंगे द हॉरिजेंटल कोर्स प्रोवाइडेड एट सुटेबल लेवल बिटवीन द प्लिंथ एंड द कॉर्नेस एट द स्ट्रिंग कोर्स हम बात करते हैं जैसे ही हम बात करते हैं तो यहां पर स्ट्रिंग कोर्स होगा क्या ये सही है क्या ये सही है <laughs> Yes or no? yes. तो हम बात करेंगे सही है अगर कोरबेल इज अ प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज यूजली प्रोवाइडेड टू सर्व एज सपोर्ट फॉर द रूफ ट्रस और बीम सही बात है कोरबेल की बात करते हैं जो हमारा प्रोजेक्शन ऐसे निकालते हैं जिसके ऊपर से वगैरह डालते हैं तो वो क्या है वो कोरबेल कहा जाता है और कोरबेल का मेजरमेंट किसमें करते हो जल्दी बताओ कोरवेल का मेजरमेंट किसमें करते हो जल्दी बताओ तो हम बात क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं कोरवेल कोरवेल सपोर्ट सपोर्ट को करने के लिए करते हैं ठीक है वो पुराने समय में खप्पर लगाते थे ना मिट्टी के स्टोन लगाते थे, टाइल्स लगाते थे अर्थन टाइल्स लगाते थे तो उसको हम बोलते हैं ठीक तो, है कोपिंग छत पे लगाते हो कोपिंग क्या होता है छत पे जो हमारा वो टाइल्स आते थे खप्पर जिन्हें खप्पर बोलते थे ठीक है वो खप्पर झोपड़ी के ऊपर लगते थे वो खप्पर वो हमारे को, कोपिंग कोपिंग बोलते हैं उनको और आजकल तो आर्टिफिशियल आते हैं टाइल्स के फॉर्म में तो तुम जो छज्जा बनाते हो या जो स्लोपिंग सरफेस बनाते हो उस पर लगाते हो या नहीं तो वो हमारी कहानी निकल करके आती है और एक्सपोज्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द राइट एंगल टू द डोर्स और विंडो फ्रेम्स आर नोन एज एस देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता है वो क्या होता है हमारा वर्टिकल सरफेस होता है तो जो वर्टिकल सरफेस एक्सपोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं जैम बोल रहे होते हैं तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है तीसरा और चौथा गलत हो जाता है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दुई जो है वो हमारा सही आंसर निकल करके आएगा हमारा क्या होगा सही आंसर निकल करके आएगा व्यू बेटा तेरे को उठा के फेंक दूंगा मैं ठीक है तेरे को उठाकर तो फेंकूंगा और ऐसा फेंकूंगा ऐसे फेंकूंगा कि काला पानी पे गिरेगा तू चलो तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा तो हमारा आंसर right क्या निकल निकालना था इनकरेक्ट निकाल इनकरेक्ट निकालना था हमने सही वाले लगा दिए हैं इनकरेक्ट निकालना था ये तो मैं भी माइनस में लेकर के आ गया इनकरेक्ट निकालना था गधो तुमने भी याद नहीं दिलाया और मैं भी गलत कर गया इनकरेक्ट निकालना था इनकरेक्ट तो क्या होगा थ्री और फोर हो जाएगा इनकरेक्ट निकालना था हाँ सी होगा इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना सी होगा मेरी गलती है मेरे माइनस बनवाई थ्री कर देना ठीक है माइनस वन बाई लिख देना मेरा ओके चलो तो हमने बात किया माइनस वन बाई हो गया चलो इलेवेंथ नंबर की बात करेंगे हमने ट्वेल्थ की बात करो फटाफट से ट्वेल्थ <coughs> का बात करो फटाफट से हां हां सी होगा फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक करो एक बार जोरदार तरीके से दोस्तों और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से क्या होगा देखो क्या बोला है रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन सबसे पहले वैल्यूएशन क्या है किसी भी आ, हम बात के प्रोजेक्ट की वैल्यू का आइडेंटिफाई करना दैट इज नोन एज द वैल्यूएशन और अगर वैल्यूएशन की बात करें रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन द नेट इनकम बाय वे ऑफ रेंट इज फाइंड आउट बाय डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग फ्रॉम द ग्रॉस रेंट तो हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा ये हमारा क्या है सही स्टेटमेंट निकल कर आएगा रेंटल मेथड मेथड में हम इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रेंट जो है वो हम अपना एस्टिमेशन कर रहे होते हैं ठीक है दूसरा इन डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन द बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स ओ हो 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 डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट्स दैट इज वॉल रूफ फ्लोर डोर्स विंडो क्या ये सही है मेरे ख्याल से ये गलत होना चाहिए डेवलपमेंट मेथड किसके लिए डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए या पार्शियली डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं करते हैं या नहीं ओके तेईस को एग्जाम है उसके लिए देख लेते हैं करते हैं या नहीं बताओ तो ये क्या होना चाहिए गलत होना चाहिए या सही होना चाहिए ये गलत होना चाहिए या सही होना चाहिए बताओ फटाफट से तो क्या आंसर निकल करके आएगा आंसर निकल करके आएगा हमारा ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू निकल करके आएगा One is true निकल करके आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कहानी निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम बात करेंगे ऑप्शन की बात, बात करोगे क्या होगा फटाफट से बताओ आंसर अरे मजा आ रहा है या नहीं ये बताओ समझ आ रहा है मजा आ रहा है चीजों को समझने मजा आ रहा है तो बाकी लोगों को बोलो कि ये वो सेशन है जो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं ठीक है चलो तो हम आते हैं फॉर्म इन द टेंडर फॉर्म अगर टेंडर फॉर्म की बात करते हैं देयर आर आल्सो अ मेमोरेंडम ऑफ फॉर गेविंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग दैट इज एमओयू की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग अगर हम बात करते हैं एमओयू की बात करते हैं एमओ यू और एमओ यू में क्या क्या होता है तो हम अगर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बिल्कुल निकल करके आएगा हाँ टेंडर डॉक्यूमेंट होगा तो वहां पर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा बिल्कुल कॉस्ट होगा अर्नेस्ट मनी होगा अर्नेस्ट मनी भी होगा तो हमारा सारे के सारे निकल करके आएंगे इसलिए ऑप्शन नंबर वन क्या सिक्योरिटी मनी होगा या सिक्योरिटी मनी के बारे में भी मेंशन होगा होगा क्या ड्राइंग हो सकती है ड्राइंग भी वहां पर मेंशन की जा सकती है तो वो भी यहाँ पर निकल करके आएगा इसलिए थर्टीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है फोर्टीन की बात करेंगे थर्टीन की बात करेंगे हमारा फोर ठीक है फोर्टीन की बात करो फटाफट पड़ से द कॉमन नेम जल्दी द कॉमन नेम फॉर ऑल डोर्स विंडो एंड सच यूनिट्स आर कॉल कॉमन नेम फॉर ऑल डोर्स विंडो एंड सच नेम्स आर उठा के फेंक दो फेंक दो उठा के आई एम उन्मेस आई एम वैभव चलो चलो ठीक है बहुत बढ़िया चलो तो हम मतलब कॉमन नेम जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं कॉमन नेम की बात करते हैं कॉमन नेम यूज करते हैं किसके लिए डोर्स विंडो एंड सच यूनिट्स के लिए उसको क्या बोलते हैं उसको ज्वाइनरी बोला जाता हो गई गुगली हो गई गुगली क्या बोला जाता है ज्वाइनरी बोला जाता है फर्नीचर अलग होता है शटरिंग किसके लिए होता है मोल्डिंग जब हम अगर हम कंक्रीट को भरना है तो उसके पहले शटरिंग करते हैं शटरिंग करते हैं मतलब मोल्ड प्रिपेयर करते हैं और वेंटिलेटर तो अलग ही होते हैं क्या को वेंटिलेटर्स को विंडो बोलोगे वेंटिलेटर्स ऊपर लगा दिए जाते हैं ये वेंटिलेटर्स लग गए ऊपर अब उसको विंडो बोलोगे उसको क्या डोर्स बोलोगे विंडो को क्या बोलेंगे ज्वाइनरी क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को जोड़ करके हम बनाते हैं और उसके बाद ये दो रूम के बीच में भी का काम कर रहे होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है बोला जाना होता है तो हम बात करेंगे जो डोर्स होंगे विंडोज होंगे एंड सच यूनिट्स जो निकल करके आएंगे उनको क्या बोला जाएगा उनको ज्वाइनरी बोला जाएगा चला उतनी इसने वेंटिलेटर बनाया था और बोले कि अंदर जाना है चलो ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं अंदर पहुंच जाएंगे कमरे में बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हो तुम लोग आज कहा हो गया है तुमको रे बाबा कहा हो गया बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हो आज आज कुछ नया मिल रहा है चलो तो फोर्टीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर फिफ्टीन की बात करो और ये वन लाइनर था ये क्या था वन लाइनर था वन लाइनर गुगली फेक रहे हो चलो अगर हम हम बात बात करते हैं हैं जो भी पर बना रहे ठीक ठीक है 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 उसका measurement हमारे लिए required नहीं होता है। अगर percentage rate contract की बात करें तो हमने फिक्स किया है कि वन मीटर क्यूब में इतना पैसा देंगे तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या देंगे तुम्हारा परसेंटेज प्रॉफिट देंगे तो ये तो हमारा निकल करके नहीं आएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जितना काम होगा उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट डिफाइन करते हैं और कॉस्ट प्लस हम बातें कॉन्ट्रैक्ट निकल तो ये तो नहीं होगा आइटम रेट आइटम रेट नहीं होगा क्योंकि पर आइटम के बेसिस पे पैसा दोगे पर आए लेकिन लमसम कैसा होता है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव नोन होता है मतलब चिड़िया की आंख तुम्हें पता होगी लेकिन लक्ष्य तुम्हें साधना है कैसे करना है क्यों करना है कब करोगे कैसे करोगे ये सब तुम्हारे ऊपर है ठीक है तो अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे इसमें केवल ऑब्जेक्टिव नोन होता है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें किसी भी तरीके की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर ऑफ वर्क ठीक है तो।, तो, हमारा निकल करके आएगा। तो हम बात करेंगे हमारा निकल करके आएगा बेटा एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मेल करना आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मैं आपका बात ऊपर तक पहुंचा दूंगा ठीक है सरकास्टिक रिस्पांस नहीं आ रहा है ठीक है आएगा यार काफी सारी बुक्स एक साथ डिस्पैच हो रही है धीरे-धीरे पहुंच तो रही है सभी के पास ठीक है चल, तो हमने बात की 15 नंबर का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू, 16 का आंसर तो फटाफट से 45 डिग्री क्रैंक और बेंट अप बार जो है इन द इंक्लाइंड एडिशनल लेंथ ऑफ क्रैंक इज रिक्वायर्ड इक्वल टू फटाफट से कोई दिक्कत नहीं है कल हम दूसरे सब्जेक्ट ले आएंगे यार आज एस्टिमेशन के कल दूसरे सब्जेक्ट ले आएंगे परसों किसी और के लिए फिर और किसी और के लिए आएंगे टेंशन मत लो सारे सब्जेक्ट कराऊंगा एक एक करके हो जाता है कभी कभी तो देखो अगर फोर्टी डिग्री के लिए निकालना है तो हम बेंट अप क्रैंक की बात करते हैं तो बेंट अप क्रैंक जो हमारा होगा वो कुछ तरीके से निकल करके आएगा तो हमसे ये जो डेप्थ है वो कितना बोल रहा है वो डी बोल रहा है और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है तो ये वैल्यू कितना निकल करके आएगी ये एक्स इज इक्वल टू कितना डी वाई साइन फोर्टी फाइव निकल करके आएगा आएगी यानी डी वाई साइन फोर्टी फाइव और डी वाई साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू निकालोगे कितना पॉइंट फोर टू डी निकल करके आ जाएगा कितना पॉइंट फोर टू हम बात करते हैं यहाँ पर जी तो हम बात करते हैं यहां पर कंडीशन निकलिए पॉइंट फोर टू डी की बात करेंगे वो भी निकल करके आएगा तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा ठीक है सिक्सटीन तो देखो यहां पर क्या होगा थर्टी डिग्री के लिए कितना होगा पॉइंट टू सेवन डी होता है फोर्टी फाइव डिग्री के लिए पॉइंट फोर टू डी होता है सिक्सटी डिग्री के लिए पॉइंट फाइव सेवन और नाइनटी डिग्री के लिए पॉइंट 8, 9, D निकल करके आ रहा होता है ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आएगी तो हमारा सिक्सटीन की बात करेंगे ऑप्शन का आंसर हो सकता है सागर स्पैम मत करो हो सकता है ठीक है चलो

ठीक है अगर मैं बात करूंगा ध्यान देना यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा तो मैं सुन लो यहाँ पर कि elongation, अगर हम कहें इलांगेटेड पार्टिकल क्या होते हैं जिसका लार्जेस्ट डायमेंशन अगर हम देखें तो वन बाई एट टाइम्स होता है किसका एवरेज डायमेंशन का ठीक है और अगर हम बात करें फ्लैकी फ्लैकी पार्टिकल क्या होते हैं वो पार्टिकल जिसका शॉर्टेस्ट डायमेंशन अगर हम बात करते हैं अगर हमें कह जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से छोटा होता है वो हमारा क्या निकल गया था है फ्लैकी पार्टिकल और अगर फ्लेक्नेक्स इंडेक्स और आ, और हमने इंडेक्स की वैल्यू देखी तो कंबाइंडली इसकी वैल्यू कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंबाइंडली कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए फटाफट पड़ सेशन को शेयर लाइक करो और देखो आज बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है वैभव कोड के साथ मिल रहा है बिल्कुल महा डिस्काउंट ठीक तो है सेल इज ऑन तो महा डिस्काउंट मिल रहा है वैभव कोड के साथ तो आप इसको एनरोल कर लो आज ही अपने कोर्सेज को जिसमें एस का नया बैच यहाँ पर लाइव हो चुका है ठीक है अब नहीं 50 होता है यस yes, नाइट राइडर डेली होती है सुबह दस बजे ठीक है चलो ठीक क्लियर है तो हम बात करेंगे वैभव कोर्ट के साथ अपने अपने कोर्स को एनरोल कर लो मेरा सफलता बैच के अंदर हाईवे चल रहा है एसएससी के अंदर जल्दी ही मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है ठीक है ध्यान रखना तो हम सेवनटीन की बात करेंगे हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री द राइट आंसर सेवनटीन बाद 18 की बात करो फटाफट फड़ से की बात करो फटाफट फड़ से बेटा या तो फिर वाईफाई पे आ जाओ वाईफाई पे आ जाओ तो एयरप्लेन मोड पे डाल दो यही सेटिंग हो सकती है बाकी सेटिंग तो हो ही नहीं रही है ठीक है बाकी कोई सेटिंग नहीं है यही सेटिंग हो सकती है बस बहुत बढ़िया चलो तो हम एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिंग अगर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिंग को एस्टिमेट करना है दोनों फेसेस पे करना है अगर चार मीटर लंबी वॉल है और तीन मीटर हाइट की वॉल है ठीक है एंड थर्टी सेंटीमीटर थिक है

तो चौबीस मीटर स्क्वायर एंड वन टू रुपीज निकल करके आएगा इसलिए ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करें यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है फटाफट से सेशन को और लाइक मारो यार एक बार जोरदार तरीके से नाइनटीन का आंसर दो फटाफट से 19 का आंसर दो फटाफट से <coughs> <coughs> क्या होगा? इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज थ्री परसेंट सिंकिंग फंड के लिए जो इंटरेस्ट है वो थ्री परसेंट है बताओ क्या होगा अबे इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो कोई बी बोल दे रहा कोई ए मतलब तो क्वेश्चन देखा ना बी ए हाँ चलो 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 जल्दी आगे सॉल्व तो कर लो थोड़ा इयर्स की बात करेंगे तो वो क्या निकल करके आएगा I S निकल करके आएगा।, आएगा और एस की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एस की वैल्यू कितनी आती है जल्दी बताओ फटाफट से एस की वैल्यू कितनी आती है तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा आई अपॉन कितना कितना वन प्लस आई एस की पावर एन माइनस वन ये कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री ये कितना आएगा ये हम आएगा जीरो पॉइंट फंड सिंकिंग फंड इंटरेस्ट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है और ये कितना आएगा थर्टी निकल कर करके सॉल्व सॉल्व इसको सॉल्व किया एस की वैल्यू यहां रख दे एस की वैल्यू यहां रख देना और जैसे ही तुम एस की वैल्यू यहां रखोगे एस की वैल्यू यहां रखोगे तो आंसर आ जाएगा कितना ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ रहा है पक्का ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो नहीं आ रहा होगा यार, एक बार देखो ट्वेल्व तो नहीं आएगा इतना मैं श्योर हूं कितना आ रहा है फोर्टीन आ रहा होगा कितना आ रहा है फोर्टीन आ रहा होगा तो हम बात करेंगे यहां पर वैल्यू कितनी निकल कर आएगी फोर्टीन निकल करके आएगी कितना निकल के आएगी फोर्टीन निकल करके आएगी आया सभी का आंसर या नहीं पहले बताओ मुझे सभी का आंसर आया ठीक है सभी का आंसर आया बहुत बढ़िया यार चलो तो हम बात करेंगे 19 की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा ये हमारा 19 की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आएगा मेरा लैपटॉप ये अपने आप हैंग हो गया यार कमेंट ही नहीं आ रहे तुम्हारे रुको चलो तो हमने बात की 19 का आंसर हमारा ये निकल गया है ट्वेंटी की बात करूंगा मैं और ट्वेंटी का आंसर आप होमवर्क में दे देना और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना होमवर्क में दे देना और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करना ठीक है कमेंट सेक्शन में आंसर करना ठीक है ठीक है को ठंड लग गई तो मैं तुम लोगों से बोलने वाला हूं सुनो मैं पूरी एक फैंटास्टिक सीरीज करवा रहा हूं इस समय एक बहुत ही ऐसी खास सीरीज है जो ए -E और जेई एग्जामिनेशन -E दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो सुबह दस बजे मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे में कब सुबह ग्यारह बजे जुड़ जाओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम्हें घटने वाला हूँ यहाँ पर चीजों को लेकर के चलने वाला हूँ वो सब्जेक्ट जो तुम्हारे ईज सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो सब्जेक्ट डेली जुड़े रहो साथ ही साथ टेलीग्राम ते चैनल भी ज्वाइन कर लो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा हो वहां पर भी आपकी डेली क्विज चल रही है क्विज चलने के साथ साथ अगर हम देखें तो आपको डेली डाइट डिस्कशन ग्रुप मिल रहा है और वहां पर मैं भी अवेलेबल रहता हूँ आ रही है बात समझ में और इस सेशन के बाद फीडबैक जरूर मेंशन करो यार फीडबैक मेंशन करना जरूरी होता तो हमारी सेल है इसमें वैभव कोड के साथ एनरोल कर लो तो इससे बढ़िया मौका कुछ भी नहीं मिलेगा इससे बढ़िया मौका कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देखें अ अ ऑफ आउटसाइड डायमीटर डायमीटर एंड इनसाइड इज टू टॉर्क ऑफ दिस वन द शेयर स्ट्रेस ऑफ द आउटसाइड एंड इनसाइड मटेरियल देखो आउटसाइड और इनसाइड साइड पर निकालना है तो आईपी की वैल्यू कितनी होगी अगर हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जे निकाले तो कितना का पाई वाई थर्टी टू आउटसाइड डाया का स्क्वायर माइनस इनसाइड साइड का स्क्वायर होगा आउटसाइड डाया का स्क्वायर माइनस इनसाइड साइड का स्क्वायर होगा और आउटसाइड लगाना है जब आउटसाइड वाला डाया का हाफ कर देना और इनसाइड निकालना है तब इनसाइड वाले डाया का हाफ कर देना और इक्वेशन लगाना टीवाई जे इज इक्वल टू टाउ आर टीवाई जे इक्वल टू टाइवा तो वहां से ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन निकल करके आएगा ठीक है तो देखते हैं नाइस क्वेश्चन सर आ, राम जान राम जना जनक पाल जी ओके राम जनक पाल जी का आंसर है ओके ब्रॉक ओपी डेविड ऑन हिल आ, तो हम बात क्या होमवर्क क्वेश्चन बी आंसर है ब्रॉक ने भी आंसर दिया है बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अब देखो यहाँ पर आ जाओ और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर लिंक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्यादा सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलता रहता है ठीक है जो आपके लिए बहुत सारी चीजें अपडेट जो रहती है वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ है एजेई की बात करूंगा तो यहाँ पर एजेई के जो टेलीग्राम अगर हम बात करेंगे सुपर कोचिंग मॉड्यूल के अंदर आपको पूरा का, पूरा SSJE का का बैच मिल रहा है यार वो भी मिनिमम प्राइस पे क्योंकि आज है बहुत प्यारा टेक्सट बुक की तरफ से आपके लिए एक एक गिफ्ट ठीक है इस गिफ्ट में क्या होगा आपको एजेई का कंप्लीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का बैच है आज से स्टार्ट करोगे फरवरी मार्च तक आप कंप्लीट कर लोगे क्योंकि लगातार आपकी क्लासेस होंगे एसएससी की नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों क्लासेस आपको निकल करके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पिछली बार भी हम देखे तो बारह से ज्यादा हमने यहाँ पर सिलेक्शन दिए हुए थे जो कि आपके लिए हेल्पफुल थे ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा अगर हम देखें इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है मेरा गाइडेंस प्रोग्राम लाइव गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मैं भी यहाँ पर क्लास आपके लेने वाला हूँ जल्दी ही नेक्स्ट मैं बात करूंगा सफलता बैच भी आपको मिल रहा है जो ऑल एज आई के लिए हेल्पफुल होगा ऑल एज एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मिलेगा आर आरबी जेई का कोर्स मिलेगा हम बात करते हैं डीडीए जेई जो अपकमिंग वैकेंसीज है इसका भी कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है ठीक है <coughs> तो आप यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम्स कवर अप कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पर तीन सौ से ज्यादा स्टडी नोट्स और छह हजार से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी होते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ठीक है तो ये कहानी है नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसको कोर्स को एनरोल कर सकते हो आप सिक्स मंथ के लिए विदाउट बुक हमारे थ्री सिक्स वन नाइन फाइव दिखा रहा है इतना मत करना क्या करना यहाँ पर कोड अप्लाई कर करना कोड क्या अप्लाई करोगे भाई कोड अप्लाई करोगे वैभव तो वी ए आई वी एच ए वी और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही वैसे ही तो मैं ये सिक्स मंथ पीवाई की बुक के साथ कितना थ्री फाइव फोर टू मिल रहा है और विदाउट बुक जो है वो थ्री फोर थ्री वन के साथ मिल जाएगा थ्री वन थ्री वन के साथ मिल जाएगा ठीक है तो क्या करना है यहाँ पर कोड अप्लाई करना है और वो कोड क्या है वैभव कोड और वैभव कोड ऑलराउंडर कोड है चाहे जगह आपका इश्यूज आता है तो टेलीग्राम पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ओके चलो थैंक यू एंड लव यू गाइस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा Okay, thank you. Thank you so much. <coughs>